मित्रों, ये चाय बागान के मजदूर, ये चाय बागान के मजदूर इतने सालों से मांग करते थे मगर उनकी मजदूरी बढ़ाई नहीं जाती थी। 2017 तक सिर्फ 176 रुपया रखा है क्योंकि दीदी आपका भला नहीं चाहती है। मैं आपको कहने आया हूं श्रमिकों की मजदूरी को 350 तक ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर बंगाल में चाय के औषधीय गुणों पर मेरी बात ध्यान से सुनना। चाय एक माने में दवाई भी है। चाय के औषधीय गुणों के अनुसंधान के लिए एक चाय पार्क बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, उत्तर बंगाल के कोई भी दर्द आता है, कोई भी बीमार पड़ता है, कलकत्ते जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है भी बताओ? जाना पड़ता है ना। आप 2 तारीख को दीदी की विदाई कर दो, उत्तर बंगाल में एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 7वां वेतन आयोग नहीं मिलता है मगर हम घोषणा कर रहे हैं कि सरकार बनते ही हर एक सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिलेगा मिलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, हम यहां पर उत्तर बंगाल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, एक एम्स और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, चाय बागान, सिंकोना गार्डन, फॉरेस्ट विलेज, डीआई के निवासियों को आज तक पट्टा किसी ने नहीं दिया। दिया है पट्टा भाई? दिया है। 2 मई को दीदी को विदाई कर दो, हम नवंबर के पहले सबको पट्टा देने का काम करेंगे। मित्रों, नेपाली फिल्म भाषा की फिल्म को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए के पुरस्कार, गीत लिखने वाले, दिग्दर्शक, एक्टर, संगीत वाले सबको 5 करोड़ रुपए का पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी की बंगाल शाखा देगी। और इसके अलावे नेपाली भाषा के फिल्मों वाले के लिए हम सब्सिडी का भी आयोजन करने वाले हैं। मित्रों, मैं आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में कहकर जाता हूँ, गोरखा की 11 की 11 उपजातियों को आदिवासी स्टेटस देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी एजेंडा में काम करने वाली है। मित्रों, मुझे गर्व है कि गलवान में शहीद हुए शहीद विपुल रॉय की और शहीद राजीव थापा की धरती पर आकर आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। विपुल रॉय और राजीव थापा जैसे शहीदों के कारण ही आज भारत माता पूरे विश्व के अंदर उन्नत मस्तक के साथ विश्व के सामने खड़ी है। मित्रों, उत्तर बंगाल के पूज्य मनीषी पंचानंद वर्मा, जिसे रॉय साहब भी कहते हैं, उनको मैं भी याद रखकर प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। अमर शहीद दुर्गा मल्ला, वीर चिला रॉय, इनकी ये भूमि है। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था हरे भरे चाय बागान, प्राकृतिक संसाधनों से भरी भरी ये भूमि, मगर सुविधा को कोई नामो निशान नहीं। मित्रों, हम SIT बनाकर दीदी के ढेर सारे गलत काम करने वालों को जेल में डालने का भी काम करने वाले हैं। नारायणी सेना की एक बटालियन बनाएंगे जिससे मेरे गोरखा और राजवंशी भाइयों को नौकरी मिलेगी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली,
और मोदी जी के नेतृत्व में ये उत्तर बंगाल की सारी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मित्रों, पहले कांग्रेस, फिर वामदल और फिर ममता ने उत्तर बंगाल को अन्याय के अलावे कुछ नहीं किया, उत्तर बंगाल के गोरखा भाइयों पर अत्याचार करने का काम किया। ये सारी दीदी, माताएं, बहनें यहां बैठी हैं। आप लोग बस में बैठते हैं तो टिकट लेना पड़ता है ना, आपको लेना पड़ता है ना, बताइए माताएं बहनें, लेना पड़ता है ना। 2 मई को दीदी गई, आपकी टिकट भी गई, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी। हम जैविक उत्पादनों के लिए 500 करोड़ का एक कोष बनाकर पहाड़ों पर बागवानी की शुरुआत करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मित्रों, दार्जिलिंग हिल्स, सिलीगुड़ी, तराई और डुवार्स क्षेत्र के मुद्दा जो है, इसके स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित प्रयास करेगी। और एक चैनल रेडियो का नेपाली भाषा में, संपूर्ण नेपाली भाषा में बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार।